लवन जी, अमरेश जी, उपस्थित सभी बंधुओं, मास्टर लगभग 20-22 साल पहले जब यहाँ पर माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे और उसके नींव रखी गई थी शिलान्यास पर, तो मैंने अशोक जी से कहा था कि हाँ जंगल में आ गए आप तो, लेकिन आज लगता है कि जंगल में मंगल करने आए। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो इतना विकास मैंने देखा, उस समय तो खेत ही खेत नजर आते थे, सन्नाटा रहता था और वो शायद सन्नाटा ही था जो बताया कि यहाँ पर डकैत लोग आ जाते थे और आसपास डेरा डालते थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ तक विद्यालय पहुँचा, ये अशोक जी का देखा तब से अभी तक लगे हुए थे। इनके जुस्तजू जो होती है ना जुनून, उसका ही पूरा प्रभाव दिखा है और कल्पना भी इनकी होती है कुछ इसको करने की, इसको थोड़ा करने की। हमें स्वयंसेवक अशोक जी ने बताया और यहाँ तक पहुँचाया है, तलाशा तो तराशा है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ अशोक जी दिशा दे या सब दिशा दे वहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब कवि इसका चिताया तो मेरे को ध्यान आ गया पुराना समय और सभा हुई थी, सभा में लोगों ने तरह तरह की घोषणाएं भी की थी, लेकिन वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, घोषणा भी शायद कई घोषणा करके चले गए क्योंकि एक दौर आया दूसरी दलों का। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सरकार या सरकार से जुड़े हुए समाज के लोग, जैसा आईटी का जिक्र किया, आईटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़े बड़े उद्योगपति उसमें काम करने आते हैं, तो उनसे बात करेंगे। सीएसआर फंड उनमें बहुत से होते हैं, उनसे बात करते हैं कि अपने सीएसआर फंड से जहाँ इतने बड़े बड़े डाटा सेंटर और बड़े बड़े आईटी सेंटर बनाते हैं तो इसमें भी कुछ